गुड मॉर्निंग गाइस, आज जल्दी उठी हूँ मैं। रोज वैसे मुझे 8, 8:30, 9 भी बच जाते हैं, बट आज मैं जल्दी उठी हूँ बिकॉज मुझे भिंडी बनानी है, कुरकुरी भिंडी। एंड उसमें भिंडी नो धोना सुखाना बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे आज जल्दी उठना पड़ा। बाकी सब सो रहे हैं, बेबी मेरी 10 बजे तक सोएगी, इसलिए रोज़ का रूटीन मेरा यही रहता है कि मैं उसके उठने से पहले काम ख़त्म कर लूँ 10 बजे तक। तो सेम है आज भी, अभी मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ अपना, मैंने अपना ब्रशिंग एंड ऑल सब हो गया, तो अभी चलो किचन में चलते हैं। तो मैंने सोचा कि आज भिंडी बनानी है, तो कुरकुरी भिंडी की रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ मैं आपसे, एज इट अभी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलो देखते हैं। फिर भिंडी वॉश करके मैंने पहले से रख के ये सब काट लिए, छोटी छोटी काट ली है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े पीसीस काट सकते हैं, लंबी लंबी भी काट के बना सकते हैं, पर मैंने छोटी छोटी बनाई है। तेल ये पहले से गर्म होने के लिए रख दिया, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है मैंने, उसको पहले से पका लिया। अब ये भिंडी को जो है एक बाउल में डाल लेंगे हम, क्योंकि मिक्स करना है, इसमें मसाले डालने हैं सब, तो एक बाउल में ले लेंगे, स्टील कांच कुछ भी बाउल यूज़ कर लीजिए। ये नमक डाल दिए, हल्दी, गरम मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर और किचन किंग मसाला। एक चम्मच चावल का आटा, चावल से आटे से ये कुरकुरी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, चावल का आटा एक चम्मच यूज़ करना है। एक चम्मच ही बेसन लेंगे हम लोग, अब इसको हाथ से ही मिक्स कर लेना। तब तक तेल हमारा अच्छे से लो फ्लेम पे कर रखा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है तेल मेरा, इसलिए इस हाथ से मिक्स करना है इसको अच्छे से, स्पून से जो है वो पूरी तरह भिंडी के ऊपर वो मसाला लग नहीं पाएगा, इसलिए हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अब इसके ऊपर मसाला ये सब लग गया अच्छे से, जो भी हमने डाला था सब अच्छे से ऊपर लग चुका है। फ्राई करने के लिए रेडी है अब ये, अच्छे से नीचे कुछ ना रहे इतना देख लीजिए, नहीं तो मसाले नीचे बैठ जाते हैं तो बाद में प्रॉब्लम। थोड़ी थोड़ी हम लोग इसमें भिंडी, तेल हमारा गर्म है, भिंडी इसको बीच में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अब ये बस लो फ्लेम ही रखा है, साथ साथ ये फ्राई होती रहेगी अब, और मैं अभी बाकी किचन के काम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, कच्ची ना रहे बस अंदर से इतना फ्राई कर लें इसको। मिक्स अच्छे से करना है ताकि ये इस पर अच्छे से लग जाए, क्योंकि नहीं तो अलग अलग रहेगा तो तेल में भी अलग से वो निकल जाएगा। अगर जब तक हमारी भिंडी फ्राई होती है तब तक हम लोग बाकी के काम करेंगे, क्योंकि किचन देखो मेरे किचन का हाल बहुत गंदा हुआ हुआ है, इसलिए मुझे फटाफट साथ साथ किचन क्लीन करना है। देन साथ साथ ये हो गई है ऑलमोस्ट, भिंडी को देख लीजिएगा अच्छे से पक जाए, क्योंकि अगर भिंडी पकेगी नहीं तो कच्चा कच्चा टेस्ट आता रहेगा मुझे पे। फ्राई करने से वैसे जल्दी पक जाती है, बट नैपकिन ले लेंगे, टिश्यू पेपर ले लेंगे, ताकि हमारा जो बाकी का ऑयल है वो इसका निकल जाए।
बड़ा सुनी ले आई, अब हमारा एक ही बार सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह की ट्रिक्स अपना सकते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, मुझे अभी ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है, ये भी तो सिर्फ लंच के लिए बना रही हूँ मैं। प्याज ऐड करने हैं उसमें, भिंडी में, भिंडी फ्राई हो चुकी है मेरी, एंड प्याज ऐसे लंबे लंबे हम काट लेंगे। देन जो जो हमने भिंडी में ऐड किया था, टर्मरिक, हल्दी डाली, नमक, जो जो भिंडी में ऐड किया था वो सब डाल देना, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला एंड किचन किंग मसाला, राइस फ्लावर, चावल का आटा एंड बेसन। सबको मिक्स कर लेना अच्छे से, जैसे भिंडी फ्राई की है वैसे ही हमने इसको फ्राई करना। जैसे देख लो मसाला सब इसके ऊपर लग जाना चाहिए जो हमने डाला है। चलिए ऑलमोस्ट डन, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में ही ना। भिंडी को टाइम ज्यादा लगा था उसके लिए, बट इसको नहीं लगता ज्यादा, सारे के सारे डल सकते हैं। ये हमारी कुरकुरी भिंडी तैयार हो गई है, डिलीशियस, कितनी अच्छी लग रही है ना। ये ऑलमोस्ट अब रेडी है। अनियन जो मैंने बाद में फ्राई किए थे उनको मिक्स करके हम लोगों ने ऐसे रख दिया इसको। अब ये लंच के लिए रेडी हो चुका है मेरा खाना, एंड अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट की तैयारी भी करनी है मुझे। लोग सोचते हैं कि अभी इतना, अगर नॉर्मल भिंडी आपको अनियन और ये के साथ मिक्स करके बनानी है तो इतनी मेहनत क्यों करनी, नॉर्मली कट करके आप लोग कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बट द थिंग इज, नॉर्मली क्या रहता है कि भिंडी मोस्टली तो नहीं पर कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है, तो सेम प्रॉब्लम हमारे घर में है। इवन जो भिंडी के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं उसके, वो कई कई लोगों को सूट नहीं करते हैं, लाइक टमी अपसेट हो जाता है समटाइम। तो सेम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ है, उनको भिंडी सूट नहीं करती है। जब भी मैं उस तरह से बनाती हूँ कढ़ाई में कट करके, एंड तो कच्चा रह जाता है बीज, जो होता है पूरी तरह से नहीं पकता, उसकी स्किन पक जाती है बट बीज नहीं पकता है। दैट्स वाई तो फिर मैंने ये इस तरह फ्राई करके बनाना स्टार्ट किया। इवन वो उससे ज़्यादा बेटर बनती है, क्रिस्पी, बिकॉज हमने चावल का आटा यूज़ किया है, बेसन यूज़ किया, इसलिए उसके कारण क्रिस्पी बहुत अच्छी हो जाती है, तो टेस्टी लगती है मुझे। मतलब जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया उसके बाद सिर्फ ही कुरकुरी भिंडी ही अच्छी लगती है, नॉर्मली भिंडी हम लोग उसके बाद खाते ही नहीं है। ऑलमोस्ट मेरा किचन का काम खत्म हो चुका है, लंच रेडी हो गया, आटा गूंद लिया, सिर्फ मुझे फुलके बनाने हैं, एंड तब तक देखते हैं बाकी लोग उठे हैं कि नहीं। देखो हम लोग बाहर हैं, मम्मा बाहर किचन में काम कर रही है और बेबी यहाँ उठा हुआ है। ये साइशा का रूम है, मेरे बेबी का रूम है ये। मामाम, हे, आप उठ गए थे, मम्मा को बुलाया नहीं आपने? ची ची चिम चिम पॉपी शेव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कहाँ हुआ, बात नहीं करनी है, मैं अभी उठा हूँ। देखो आज मैंने सॉक्स भी डाली है, यहाँ पर ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। आज हमारे रात को 20 अप्रैल बारिश पड़ी है ना यहाँ पर, इसलिए ठंड बहुत हो रही है, इसलिए हमने सॉक्स पहनाई है मेरे बेबी को। ओ मो 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 नो, ये गंदा बेबी है, बहुत सॉक्स डाली है। रात को ठंड लग रही थी हमें बहुत ज़्यादा, देखो इसको बहुत क्रेज है ना वीडियो में आने। मैंने मामा मैं वीडियो में दिख रहा हूँ कि नहीं आपकी,
टेल टेल ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, हाय। गए तो अब हम पापा को देखने चलते हैं। पापा उठ गए। पापा नहीं उठे। ची ची वो पापा ने हाय बिना ब्रश किए किसी कर दिया। आए आए ची 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 पापा ब्रश नहीं किया मुझे किसी कर दी पापा ने। हो ची ची आपने ब्रश किया? आपने किया? ओ चलो आप पापा और बेटी का टाइम स्टार्ट। ठीक है आप टाइम स्पेंड करो, दाढ़ी खींचो अच्छे से पापा की। ओ पूरे जोर से खींचती अब तो। सारे अभी हम लोग रेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं मॉर्निंग में कोशिश करती हूँ कि इसके उठने से पहले हम लोग काम खत्म कर लूँ। मैं सारा किचन का और बाकी सब, बिकॉज अभी दूध देना है एंड ऑल, तो उसमें बिजी हो जाऊंगी मैं। एंड सो बाय फॉर नाउ, चलते हैं। ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है रेगुलर बेसिस, उस पे मुझे सुबह उठ के खाना बनाना है एंड किचन क्लीन करना होता है। एंड तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि उसके उठने से पहले मैं ख़त्म कर लूँ। 10 o'clock फिक्स टाइम हो गया है। आगे मुझे प्रॉब्लम आने वाली है बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्कूल जाने के टाइम पे मुझे उठाना मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं उसको सोने देती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे काम फिनिश हो जाएंगे, इसलिए सो जाए तो बेटर है। बट होप सो कि आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइज, देन कमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी आपको, कैसी क्या, ट्राई करिए, अच्छी लगेगी, डेफिनेटली अच्छी लगेगी। एंड ओके देन, बाय फॉर नाउ।